आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की फतह पर। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 8 विकेट से जीता हमारी टीम, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर आ गई है। बाबर आजम की क्यादत में टीम मुसलसल फतूहत हासिल कर रही है। आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक की सूरत में हमें एक नया ओपनिंग प्लेयर मिला था। रमीश कह रहे थे कि आप प्लेयर्स का बजट बढ़ाए, देखते हैं कौन सा बड़ा प्लेयर आता है। खजाने का मुंह तो खोल रहे हैं पीएसएल वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप क्रिकेट। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की फतह पर। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 8 विकेट से जीता, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, खासतौर पे ओपनर आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक की। फास्ट बॉलर हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी ने भी उम्दा परफॉर्म किया। और बड़ी बात है, एक ऐसी पिच जहां पर पेसर्स के लिए इतनी हेल्प मौजूद नहीं थी और बांग्लादेश के स्पिनर्स आउट कर रहे थे, वहां हमारे पेसर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर आ गई है और उम्मीद है दूसरा टेस्ट भी जीतकर ये सीरीज अपने नाम करेगी। आज के शो में इस हवाले से बात करेंगे, साथ में पीएसएल की भी कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की शानदार फतेह पे, जो पहला टेस्ट पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 8 विकेट से अपने नाम किया। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही और बाबर आजम की क्यादत में टीम मुसलसल फतूहत हासिल कर रही है, जो बड़ी खुशाइन बात है। वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ बांग्लादेश ने T20 सीरीज जीती और अब पहला टेस्ट भी आराम से जीत लिया। अगर हम मैच में देखें तो सबसे जो अच्छी बात मुझे नजर आई वो हमारे ओपनर्स की परफॉर्मेंस थी। आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक की सूरत में हमें एक नया ओपनिंग प्लेयर मिला था। आबिद अली को तो पहले मौके मिले और उन्होंने अपने आप को मनवा लिया था, उनको लेजेंड कहा जाता है और बड़ी तेजी से वो अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो सचमुच भी लेजेंड बन सकते हैं। आबिद के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, सबका जो सिलेक्शन कमेटी थी उनको मौके नहीं देती थी। जुमामुल हक साहब जब तक रहे उनकी कोशिश थी आबिद किसी तरह टीम में ना आए, मुसलसल वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उमदा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आबिद आते तो इमामुल हक बाहर होते। जैसे अभी देखें आप, इमामुल हक नहीं खेले हालांकि स्क्वाड में है क्योंकि जगह नहीं बनती, तो इसलिए आबिद को दानिश्ता टीम से दूर रखा गया। मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट में उमदा परफॉर्म करते रहे, उनको जब ए टीम में रखा गया, ए टीम के साथ UAE में गए, वहां पे भी उन्होंने सेंचुरियां कर दी, तो फिर सोचा गया कि यार ये तो मसला बढ़ जाएगा, बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, तो वहां से भी वापस बुला लिया गया। कायद अजम ट्रॉफी का फाइनल खेलो काफी दिन पहले, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो सबको पता है, लेकिन जब कोई बासलाहियत प्लेयर होता है, मेहनत करता है, नीयत साफ होती है, उसके आप जितने भी रास्ता रोकेंगे वो फिर एंट्री ऐसी करेगा। आबिद ने भी दरवाजा तोड़ एंट्री की थी, याद होगा आपको सेंचुरी पे सेंचुरी उनकी जो हुई थी, उसके बाद टीम के मुस्तकिल रुकन बन गए हैं टेस्ट के। आज भी इस मैच में भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया और बदकिस्मती से 9 रन से उनकी सेंचुरी रह गई, वरना दोनों इनिंग्स में सेंचुरी का एजाज हासिल कर लेते। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक को फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इतना तजुर्बा नहीं है, गालिबन इस टेस्ट से पहले 3 ही फर्स्ट क्लास उनके मैचेस हैं, और लेकिन उनका टैलेंट जो है वो मिसबाउल हक ने भी जांचा था। वैसे भी कहते थे कि बहुत बासलाहियत प्लेयर हैं, काफी अर्से से टीम के साथ घूम रहे थे, डेब्यू का मौका मिला, इन्होंने अपनी सलाहियतें साबित की, दोनों इनिंग्स में मिस सेंचुरियां बनाई और पाकिस्तान को दोनों इनिंग में ओपनर्स की जानेब से शराकतें मिली, जो कि बहुत रेयर चीज है, बहुत कम ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मैच का ओपनर्स की हमारी परफॉर्मेंस रही। अजहर अली जल्दी आउट हो गए थे पहले इनिंग में, बाबर आजम भी जल्दी आउट हो गए थे, रिजवान भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे, फवाद भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे और हमारी बैटिंग जो थी वो कोलैप्स हो गई थी पहली इनिंग में। और उसके बाद जो है जिस तरह कम बैक किया मैच में शाहीन शाह आफरीदी की शानदार बॉलिंग की वजह से, वो काबिल तारीफ है। फिर उसके बाद एक ऐसा स्पिनिंग ट्रैक जहां पर चौथी इनिंग में इतने रन बनाना 200 से ज्यादा इतना आसान नहीं था, और शायद लोग ऐसी बातें भी कर रहे थे कि मुश्किल होगी पाकिस्तान टीम को, लेकिन ओपनर्स ने जबरदस्त परफॉर्म करके एक आसान फतह टीम के नाम की, जिसका आगे भी बड़ा फायदा होगा। मोरल प्लेयर्स कप हो गया, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के चार्ट में हमारी टीम नंबर 2 हो गई है, दूसरा मैच भी जीतेगी और आगे जाएगी। बांग्लादेश को T20 सीरीज में भी हराया था, इसी तरह वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे, जहां एक बैड डे आया और हमें शिकस्त हो गई। इसमें बाबर आजम की क्यादत का भी बड़ा अहम किरदार है और वो अब लगता है कि कप्तान हैं, जबरदस्त फैसले कर रहे हैं। बैटिंग फॉर्म थोड़ी सी उनकी बांग्लादेश में इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, लेकिन होता है ऐसा, उम्मीद है कि आगे जाके अगला टेस्ट जो होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे बाबर, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए उनको, बहुत उनकी क्यादत का भी उसमें बहुत अहम किरदार है और पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एक बड़ा किरदार मैं तो कहूँगा बाबर आजम की क्यादत का भी। और अब बात करते हैं पीएसएल के हवाले से, पीएसएल करीब आ रही है लेकिन काफी चैलेंजेस सामने हैं। रमीश राजा साहब और जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनमें थोड़ा सा एक इख्तलाफ हुआ था। रमीश कह रहे थे कि आप प्लेयर्स का बजट बढ़ाएं, ज्यादा पैसे दें प्लेयर्स को, फ्रेंचाइज का कहना था हमें वैसे ही इतना ज्यादा फायदा नहीं है,
लेकिन अगर आप बड़े नामों को बुलाएंगे, कोई बहुत बड़ा मेगा स्टार आएगा, तो हम जरूर उसको ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। गर्मा गर्मी हुई लेकिन बाद में इत्तेफाक हो गया था। देखते हैं कौन सा बड़ा प्लेयर आता है। खजाने का मुंह तो खोल रहे हैं पीएसएल वाले, तो देखते हैं किसको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक बड़ा मसला है, मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ, यूएई की लीग होने वाली है, आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है 3-4 उसमें इन्वॉल्व हो रही है, पैसा खूब होगा और प्लेयर यूएई में अट्रैक्ट भी होते हैं। बड़ा चैलेंज है पीएसएल के लिए, एमरेट की जो लीग है, एमरेट बोर्ड की ये, और मुझे यकीन है कि पीसीबी इस हवाले से देख रहा होगा। पीएसएल हमारा अच्छा ब्रांड है, तो बड़ी मेहनत से इधर तक लेकर आए हैं, तो इसको कामयाबी से आगे बढ़ाना है और अच्छी तरह से इनेकाद करना है। फिर इंशाल्लाह एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।